दोस्तों दुनिया में काफी खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि वे हमारे आसपास देखने को नहीं मिलते। जो जानवरों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, वो आक्रामक तो नहीं होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आ जाता है तो ये किसी भी हद तक खतरनाक बन सकते हैं, और यही आज हम देखने वाले हैं, जो कि बचाव में शेर तक का खात्मा कर सकते हैं। और लास्ट वाले जानवर की शेर के साथ मुलाकात कितनी खतरनाक होने वाली है वो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। तो गाइस इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अंत वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। पहले नंबर पर आता है जिराफ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है और वो काफी शांत भी होता है, जो किसी पर भी आसानी से हमला नहीं करते। लेकिन जब बात सेल्फ डिफेंस की आती है तो ये किक मास्टर बन जाते हैं, और इसीलिए शेर तक उनसे पंगा लेने से डरते हैं। शेर को अपना शिकार पकड़ने के लिए उसकी गर्दन को पकड़ने की जरूरत होती है, और जिराफ की तो गर्दन इतनी ऊंची होती है कि उस तक शेर पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी कभी कभार जब शेर को घूसे खाने का मन होता है तो वो जिराफ पर हमला कर देता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह 4 से 5 शेर एक जिराफ के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जिराफ ने अपनी किक से सबकी बत्ती गुल कर दी। बड़े जिराफ को शिकार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए शेर कभी कभार बेबी जिराफ पर अपना ताबा बोल देते हैं। लेकिन माँ जिराफ ने उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाया और उन्हें वहां से भगा दिया और अपने बेबी को बचा लिया। दोस्तों जिराफ तो शेर के लिए खतरनाक है ही, लेकिन जब वो जिराफ माँ हो तो वो शेर के लिए 100 गुना और खतरनाक बन जाती है। तो गाइस इस माँ के लिए यार 1 लाइक जरूर हो जाए। अब नंबर 2 पर आता है जेब्रा। आपने जेब्रा के बारे में तो जरूर सुना होगा, वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप के लिए जाना जाता है। इनका वजन 400 किलोग्राम तक बढ़ सकता है, और इतना ही नहीं ये जानवर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं, जो कि आम जानवरों में काफी ज्यादा है। जेब्रा ज्यादातर शांत ही होते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो अपने किक का इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, जहाँ पर एक विल्डर बीस्ट चुपचाप खाना खा रहा था तभी जेब्रा ने उसे लात मार दी, और इतना ही नहीं अपना कारनामा करके इन महाशय ने वहां से कल्टी भी ले ली। लेकिन विल्डर बीस्ट की हालत से आप जेब्रा के किक का पावर का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। और इसीलिए जेब्रा शेर को कभी नहीं बख्शते। अब इसी वीडियो को देख लीजिए जहां पर एक शेर जेब्रा के झुंड पर हमला कर देता है, जिसमें से वो एक जेब्रा को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। वो जेब्रा इस शेर का खाना बनने ही वाला होता है कि वहां पर उस जेब्रा का दोस्त आ जाता है। उसने शेर को एक जोरदार किक मार कर अपने दोस्त को आखिर में छुड़ा ही लिया। सल्यूट है ऐसे दोस्त को जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर अपने दोस्त की जान बचाई। अगले नंबर पर आता है हिप्पोपोटामस। हिप्पो को शायद आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन शायद सभी लोगों को इनके स्वभाव के बारे में पता नहीं होगा। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी कहा जाता है, जो सामने वाले को डराने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलते हैं, और पता नहीं ये क्यों हर किसी से पंगा लेते रहते हैं, फिर चाहे वो हाथी हो या मगरमच्छ हो या फिर गेंडा। और हिप्पोस काफी जगह पर जानवरों की मदद करते हुए भी देखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इस विल्डर बीस्ट को हिप्पोस ने मगरमच्छ का शिकार होने से बचाया। हिप्पोस के ताकत का अंदाजा तो शायद अब तक आपको आ ही गया होगा। अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें किस तरह एक हिप्पो ने लायन के सिर को पकड़कर उसे पटक दिया। शायद उस समय शेर भी सोच रहा होगा कि मैंने इससे पंगा क्यों लिया। अब इसी तरह ये वाइल्ड ऑक्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जो कि हिप्पो से पंगा लेने जा रहे हैं। जिसने शेर को ही कूट दिया उसका ही शिकार करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और जब आखिर में हिप्पो गुस्सा हो गया तो सब लोग पतली गली पकड़कर वहां से भाग गए। इसीलिए यदि गलती से भी आपको हिप्पो दिख जाए तो उसके नजदीक जाने की गलती आप मत करिएगा, और उसका अंजाम आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। गाइस आपका फेवरेट वाइल्ड एनिमल कौन सा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले नंबर पर आता है केप बफेलो।
केप बफेलो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर है, जिन्हें अफ्रीकन फॉरेस्ट बफेलो भी कहा जाता है। ये ज्यादातर खुद के प्रजाति के झुंड के साथ या फिर जेब्रा के झुंड के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं और चुपचाप अपना खाना खाने का काम करते हैं, लेकिन शेर का ये पसंदीदा शिकार होते हैं और इसीलिए शेर इन पर हमेशा हमला करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार उन पर हमला करना शेर पर भारी पड़ जाता है, जैसे यहाँ इस बफेलो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और शेर को किसी बॉल की तरह दो बार हवा में उछाल दिया। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि जब शेरों ने इनके ग्रुप पर हमला किया तो किस तरह इन्होंने शेर की हवा फुस कर दी और उन्हें वहां से भगा दिया। यहां तक कि कुछ शेर तो पेड़ पर ही चढ़ गए और वहां से बफेलोस को वहां से भगाने की कोशिश करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ जो शेर नीचे जमीन पर थे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर उनका खून पसीना एक कर दिया। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो यार एक लाइक भी कर दो। अगले नंबर पर आता है राइनो। दुनिया में गेंडे की कुल 5 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सफेद गेंडा, काला गेंडा, भारतीय गेंडा, गौर गेंडा और सुमत्रन गेंडा होते हैं। यदि आक्रामकता की बात की जाए तो काला गेंडा इनमें सबसे ज्यादा आक्रामक होता है। इनका वजन 1000 से लेकर 1400 किलोग्राम तक बढ़ सकता है और हाइट देखी जाए तो ये 6 फीट तक बढ़ सकती है। इन गेंडों का मेन हथियार इनके ऊपर लगे सींग ही होते हैं, जिससे वो किसी को भी आसानी से मार गिराते हैं, फिर वो चाहे शेर ही क्यों ना हो। ये दिखने में तो शांत दिखते हैं, लेकिन इनका मूड कब खराब हो जाए या बदल जाए इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। ये इतने ताकतवर और खतरनाक होने के कारण ज्यादातर शेर इनसे पंगा लेना अवॉइड करते हैं, लेकिन शेर ने इनका शिकार करने के बारे में सोच भी लिया तो आखिर में उन्हें हार माननी ही पड़ती है, जिसका उदाहरण आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें किस तरह गेंडे ने इस जू कीपर की गाड़ी को उल्टा पुल्टा कर दिया। भले उस जू कीपर की गाड़ी ने उस गेंडे का क्या बिगाड़ा था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गेंडे का मूड कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए उससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होता है। आपको भी ये कहां पर दिख जाए तो वहां से तुरंत 1 किलोमीटर दूर भाग जाना। अब अगले नंबर पर आते हैं एलिफेंट्स। जमीन पर सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कोई है तो वो है हाथी। काफी लोग इन्हें पालते भी हैं। इतने बड़े होने के बावजूद भी लोग इनके साथ खेलते हैं और मस्ती भी करते हैं। ये अपने शांत स्वभाव की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण शांत स्वभाव वाला जानवर भी आक्रामक बन जाता है। और ऐसा तभी होता है जब हाथी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब आप इसी वीडियो को देख लीजिए जिसमें केरला के एक फेस्टिवल के दौरान इस हाथी को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन बाद में यह इतना आक्रामक हो गया कि सामने आने वाली हर किसी चीज को तहस महस करने लग गया। इतना ही नहीं, उसने बाइक को तो घुमाकर फेंक दिया और छोटे कंटेनर का तो ऐसा चूरा किया जैसे कि वो उसके सामने कुछ है ही नहीं। अब आप इस दूसरे वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें जंगल में ये शेर इस हाथी के बच्चे का शिकार करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। सारे शेर उन्हें घेर रहे थे लेकिन फिर भी उसने सबको भगा दिया। अब आखिरी नंबर पर आता है टाइगर। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो टाइगर के बारे में नहीं जानता होगा, जिससे सभी डरते भी है। टाइगर शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। यदि कोई इन्हें चुनौती दे तो सामने वाले की चुनौती ये बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर चाहे वो खुद झुंड में हो या फिर अकेले। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि शेर और टाइगर सामने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही ताकतवर और खतरनाक शिकारी है। यदि हम बाइट फोर्स की बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 PSI होता है, तो वही टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI होता है। यानी कि यदि शेर हड्डी को तोड़ सकता है तो वही टाइगर उसी हड्डी का चूरा कर सकता है। ज्यादातर इन दोनों का आमना सामना नहीं होता, क्योंकि टाइगर ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं तो वही लायन ड्राई फॉरेस्ट में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यदि सच में एक टाइगर और एक शेर की लड़ाई हो जाए तो उन दोनों में कौन जीतेगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका इन दोनों में से फेवरेट कौन है ये बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।
मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।